सो गाइस आज हमारे पास आ गए आइवा कंपनी की तरफ से आने वाले आइवा 80X80E का बॉक्स। ये TWS ईयरफोन्स है, ये जैपनीज ब्रांड है। आज की वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले, देखने वाले इसके साउंड क्वालिटी को, इसकी बिल्ड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और इसकी बैटरी को भी टेस्ट कर लेंगे। इसको हमने 2000 रुपये का अमेजन से परचेज किया। अगर आपको खरीदना है तो हमेशा की तरह बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सो ऑलराइट गाइस, ये आइवा कंपनी की तरफ से आने वाले आइवा 80X80E का बॉक्स, जैसे आप देख सकते हैं आपको ऐसे बॉक्स मिलने वाले। ये जैपनीज ब्रांड है, आप देख ही सकते हैं। प्राइसिंग की मैं एक बार दिखा देता हूं इंफॉर्मेशन आपको। यहां पे आप देख सकते हैं प्राइस लिखा हुआ है 3,350 रुपीज, लेकिन ये आपको 2,000 रुपए के अमेजन पे मिल जाते हैं। सो गाइस चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है। सो बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं, सामने की तरफ ये ईयरबड्स हमारे रखे हुए हैं, इनको मैं भी रख देता हूँ साइड में। यहाँ पे आपको ये माइक्रो यूएसबी केबल दिया हुआ है। देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा एयरटिप्स दी हुई है और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। सो गाइस चलिए सभी चीज़ों को साइड में रखते हैं और देखते हैं ईयरफोन्स की तरफ। सो ऑलराइट गाइस, ये हमारे आइवा कंपनी की तरफ से आने वाले आइवा 80X80, जैसे आप देख सकते हैं सामने की तरफ यहाँ पे आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ब्रांडिंग वगैरह दी हुई है। पीछे की तरफ बैटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ यहाँ आप देख ही सकते हैं आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस चलिए जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, सामने की तरफ ये रखे हुए हैं आइवा की तरफ से आने वाले आइवा 80X80E ईयरबड्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जिससे आपको एक काफ़ी बेहतर आइडिया हो जाता है कि हमारे इस बॉक्स की बैटरी कितनी बची हुई है। मैं आपको निकाल के एक बार इनका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं आपको ये कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही तरफ LED इंडिकेटर दिया हुआ है। बाकी आप देख ही सकते हैं आपको ये कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। सो गाइस चलिए इनको सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं इनकी साउंड क्वालिटी को। सो गाइस इनकी अनबॉक्सिंग से आपने इसकी बिल्ड क्वालिटी तो देख लिया, मैंने इनको अपने डिवाइस से कनेक्ट भी कर लिया, तो चलिए इनकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज अगर इनकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी इसमें आपको एवरेज देखने को मिल जाती है। अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस भी इतना ज़्यादा नहीं दिया, वहीं अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी आपको इसमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो भी इसमें आपको एवरेज ही देखने को मिलती है। सो अगर आप एक बेहतरीन बेस के लिए ईयरफोन्स देख रहे हैं तो ईयरफोन्स आपके लिए नहीं होने वाले हैं, आप इनको डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। अगर इनकी बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो बिल्ड एंड डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट ये बॉक्स में आते हैं। अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट भी काफ़ी कम दिया हुआ है। अगर मैं इनके ईयरबड्स के बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो वो भी हमें डिसेंट क्वालिटी के हमें देखने को मिल जाते हैं। और मैं इसके बटन्स की बात बता दूँ तो यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिलते हैं, आपको टच कंट्रोल का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। बाकी आप इसके बटन से सारे फंक्शन को ऑपरेट तो कर ही सकते हैं, म्यूजिक पॉज एंड प्ले करना हो या फिर आपको कॉल को रिजेक्ट या फिर रिसीव करना हो, वो सारे फंक्शन आप इसके बटन से कर सकते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं इनकी बैटरी की तरफ। तो इन ईयरबड से आपको 6 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। वहीं अगर स्टैंड बाई टाइम की बात करें तो इनसे आपको 70 घंटे तक का स्टैंड बाई टाइम भी मिल जाता है। अगर मैं इनकी बैटरी की बात करूँ तो ईयरबड्स में आपको 38 mAh की बैटरी मिल जाती है। वहीं अगर मैं बॉक्स की बैटरी की बात करूँ तो बॉक्स में आपको 200 mAh की बैटरी दी है। सो बैटरी के मामले में आपको एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देते हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो कनेक्टिविटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो गाइस चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। आपको ये ईयरबड खरीदने चाहिए नहीं। सो अगर आप 2000 रुपये के अंडर कोई भी ईयरबड देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अलग अलग कंपनी से। यहाँ पर आपको बोट के मिल जाएंगे, बोल्ट के, सोनी के, बहुत सारी कंपनी के ईयरबड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपको इससे बेहतर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ उनमें और उनमें आपको वॉल्यूम भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस अगर आप 2000 रुपए के अंडर ईयरफोन्स देख रहे हैं तो आप ये आइवा की तरफ से आने वाले आइवा 80X80E को स्किप कर सकते हैं। ये एक जैपनीज ब्रांड है, लेकिन इसमें आपको साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। सो गाइस अगर आप इस जैपनीज ब्रांड के ईयरबड्स को एक बार ट्राई करना चाह रहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।